चंदा मामा दूर के, ये कविता तो सबने सुनी होगी, लेकिन क्या हो जब एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम मून मिशन के लिए जाए मगर स्पेस के खतरों के बीच एक एक करके मारे जाने लगे और बचता है तो सिर्फ एक अकेला एस्ट्रोनॉट, वो भी धरती से लाखों किलोमीटर दूर। अब क्या वो जिंदा बचकर पृथ्वी पर वापस आ पाएगा? इन्हीं सब को बताती है चिल्स एंड थ्रिल्स से भरी हमारी आज की साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मून। कहानी की शुरुआत साल 2024 से होती है, जहां साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी KASC अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर रिसर्च के लिए भेज रही होती है। तभी हम स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग को देखते हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को आसानी से पार कर लेता है और मून के सरफेस की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मून पर लैंड करने वाला होता है, तभी एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते पूरा स्पेसक्राफ्ट ही अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। इस दुखद घटना के बाद पूरे 5 साल का समय बीत गया है, जहां साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी ने हार ना मानते हुए फिर से अपने 3 नए एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करके चांद पर भेजने का प्लान बनाया है। ये 3 एस्ट्रोनॉट्स ली, चो और होयांग थे, मगर अभी भी सभी लोग 5 साल पहले के हादसे को भूले नहीं थे। इस बार सब कुछ अच्छे से हो, इसके लिए सभी लोग काफी ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, जिससे इस बार सब कुछ ठीक रहे। जहां चांद पर जाने से पहले तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स अपना संदेश कोरिया की आम जनता को देने लगते हैं, जहां पहले ली बताता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और जब वो चांद पर होगा तभी उसकी डिलीवरी होगी और वो मून पर बैठकर ही अपने बच्चे का नाम सिलेक्ट करेगा। वही चो कहता है कि वो अपनी फैमिली को प्राउड कराने के लिए चांद पर जा रहा है, जबकि होयंग का मून मिशन बहुत ही खास होता है, क्योंकि 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उन एस्ट्रोनॉट्स में से एक होयंग के पिता भी थे। 5 साल बाद होयंग अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए चांद पर जा रहा होता है। अब यहाँ से तीनों अपनी स्पेसशिप से सक्सेसफुली पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल जाते हैं, मगर चांद के नजदीक पहुँचते ही एक बार फिर से प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं और उनके स्पेसक्राफ्ट से भयंकर सोलर फ्लेयर्स आकर टकरा जाती हैं, जिससे उनके स्पेसक्राफ्ट को काफी नुकसान होता है। उनका पृथ्वी के मेन बेस से संपर्क भी टूट जाता है। वहीं ये सूचना आम जनता में जाते ही हड़कंप मच जाता है और चारों तरफ इसकी न्यूज आग की तरह फैलने लगती है, क्योंकि उनका पहला मिशन भी फेल हो चुका था। वहीं स्पेस में ली और चो शिप से बाहर निकलते हैं और फ्लेयर से हुए नुकसान को चेक करके उसको रिपेयर कर रहे होते हैं, ताकि उनका पृथ्वी में मेन बेस से दोबारा संपर्क हो पाए। वहीं हुयांग अंदर से ली और चो को गाइड कर रहा होता है। वहीं हम बाहर देख पाते हैं कि सोलर फ्लेयर्स के कारण उनके फ्यूल टैंक में लीकेज हो गया है। जब तक उनमें से कोई भी इसके बारे में कुछ समझ पाता, वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें चो, जिसने ये लीकेज ढूंढा था, वहीं पर मारा जाता है। जबकि कमांडर ली इस ब्लास्ट में काफी घायल हो जाते हैं। हालांकि कमांडर ली अभी भी सेफ्टी वायर के थ्रू शिप से जुड़े हुए थे। वहीं पृथ्वी पर मेन बेस को कुछ समय के लिए सिग्नल मिलते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते। यहाँ मेन बेस में पता चल चुका होता है कि ब्लास्ट में चो नहीं बचा। हुआंग भी कमांडर ली को बचाने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन कमांडर ली बाहर से उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं। यहाँ कमांडर ली हुआंग को बताते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही घायल हैं और अब वो नहीं बच पाएंगे, इसलिए हुआंग को उसके लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए और वो अभी भी अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते कमांडर ली ने कम्युनिकेशन एंटीना को ठीक कर दिया था, जिससे सिस्टम रिबूट के बाद हुआंग मेन बेस से बात कर पाएगा। यहाँ कमांडर ली हुआंग के लिए अपनी सेफ्टी वायर खोल देते हैं और स्पेस के काले घने अंधेरे में अपनी आखिरी सांस लेते हुए बह जाते हैं। अब जैसा कि कमांडर ली ने कहा था, हुआंग अपने सिस्टम को रिबूट करता है और पृथ्वी से संपर्क कर पाता है, जहां वो पूरा इंसिडेंट बताने लगता है कि कैसे ली और चो दोनों ही मारे जा चुके हैं। वहीं उनका स्पेसशिप भी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। उधर मेन बेस से उसे इंतजार करने को कहा जाता है, जब तक कि वो सब मिलके कोई फैसला ना कर ले कि उनको अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो स्पेसशिप भी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और ये सब जानकर पूरे ही कोरिया में कोहराम मच गया था। जिस पर साइंस मिनिस्टर बात करते हुए कहते हैं कि वो लगातार 2 मिशन में फेल नहीं हो सकते और उनको कुछ तो करना ही होगा।
होगा। उधर बाकी बैठे साइंटिस्ट भी बातचीत करके ये फैसला करते हैं कि उन्हें पहले मिशन के हेड किम को बुलाना ही होगा, क्योंकि उसी ने दोनों मिशंस की सभी इक्विपमेंट्स को डिजाइन किया था। मगर पिछले मून मिशन के फेलियर के बाद उसने स्पेस एजेंसी को छोड़ दिया था। मतलब इन सभी के हिसाब से जिसकी निगरानी में पिछला मून मिशन फेल हुआ था वो वही है जो अब इनके मिशन को बचा सकता है। अब यहाँ से किम को जल्दी बुलाया जाता है, जिसमें वो शुरू में मना कर देता है क्योंकि उसकी वजह से पिछला मिशन फेल हुआ था। मगर जब उसको पता चलता है कि इस मिशन में हुएंग फंसा हुआ है, जो पहले मारे गए एस्ट्रोनॉट में से एक का बेटा है, तो वो मान जाता है। वहीं बेस पर सभी साइंटिस्ट को पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से हुएंग के शिप का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। इन्हीं मुसीबतों के बीच किम उसको कहता है कि उसको एक थ्रस्टर चालू करके स्पेसशिप को मून के ऑर्बिट में फायर करना चाहिए, और हुएंग ऐसा ही करता है। फाइनली शिप स्टेबल हो जाती है, साथ ही हुएंग के शिप का टेम्परेचर भी नॉर्मल होने लगता है। अब आगे किम हुएंग से बात करते हुए कहता है कि अगले निर्देश तक उसको इंतजार करना होगा, और इंतजार करते हुए हुएंग अपने पिता को याद करता है कि कैसे उनके जाने के बाद उसका सिर्फ यही सपना था, मगर अब वो भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं किम अपने एक्स वाइफ को कॉल करता है जो कि नासा में काम करती है। वो उससे मदद मांगता है कि नासा उनकी हेल्प करे हुएंग को बचाने में, लेकिन किम की एक्स वाइफ उसको बताती है कि नासा कभी भी साउथ कोरिया के एस्ट्रोनॉट के लिए अपने एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डालेगा। अभी किम अपनी एक्स वाइफ से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसको आके बताया जाता है कि किम के इजाजत के बिना ही हुएंग ने लैंडर को एक्टिवेट कर लिया है, और वो अपने आप से ही मून पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पर सब उसको ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि शायद लैंडर भी उस सोलर फ्लेयर से डैमेज हो गया होगा। मगर हुएंग ये रिस्क लेने को तैयार था। वो कहता है कि चांद के इतने नजदीक आकर मैं वापस नहीं लौट सकता। वो किम के ऑर्डर को मानने से भी मना कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हुएंग अभी भी किम को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता है। वहीं हुएंग कहता है कि मैं अपने देश कोरिया के लिए और अपने पिता के लिए ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। और अब यही खबर कि हुएंग चांद पर लैंड करने वाला है आग की तरह पूरे कोरिया में फैल जाती है, और चारों तरफ सिर्फ इसी की बातें होने लगती है। यहाँ किम को एक और बुरी खबर का पता चलता है। हुएंग मून के जिस हिस्से में लैंडिंग करने वाला है, वहाँ जल्द ही बहुत बड़ी मीटियोर शार होने वाली है। यानी अगर कैसे भी हुएंग मून पर लैंडिंग कर लेता है, वो तब भी मारा जाएगा। ये तो बिल्कुल आगे कुआ पीछे खाई वाली बात हो गई। अब आप सोच के देखिए कि कौन है बुद्धिहीन व्यक्ति जिसने ये मून मिशन दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे 5 साल लिए, लेकिन फिर भी ये हाल हो रहा है। पर फिर भी कई मुसीबतों के बाद हुएंग सक्सेसफुली मून पर लैंड कर लेता है, और अब ये सब देख पूरा कोरिया इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने लगता है। वहीं हुएंग भी अब लैंडर से निकलकर चांद पर कदम रखता है, और रेस्पेक्ट के लिए अपने साथियों की निशानी वहीं छोड़ देता है, जहां पर वो कोरिया का झंडा मून पर लगाकर मिशन के बाकी सारे काम करने लगता है। हुएंग मून से सैंपल इकट्ठा करने के लिए रोवर में बैठकर चांद पर निकल जाता है। वहीं एक ड्रोन ऊपर से नजर रखेगा। अब हुएंग ने हिम्मत करके मून पर लैंड तो कर लिया था, मगर वापस जाने के लिए उसकी स्पेसशिप और लैंडर में काफी परेशानियां थी। वहीं किम अब बाकी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर उनको सॉल्व करने में लग जाता है। कोरिया की सरकार नासा से ऑफिशियली मदद मांगते हैं ताकि हुएंग को मून से वापस लाया जा सके। इधर किम की एक्स वाइफ भी नासा से हुएंग की मदद की बात करती है। वहीं नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं, मगर हायर ऑफिशियल्स तो ये कहकर मना कर देते हैं कि हुएंग चांद के जिस हिस्से में है वहाँ जल्द ही मीटियोर शावर होने वाला है, और वो हुएंग के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये बात कोरिया की स्पेस एजेंसी भी जानती थी कि वहाँ पर जल्द ही मीटियोर शावर होने वाली है। जबकि उधर हुएंग बेस को रिपोर्ट करता है कि उसने सारे सैंपल्स ले लिए हैं। वो बेस को ये भी बताता है कि उसने यहाँ पर सबसे बड़ी खोज भी कर ली है। उसको चांद के सरफेस के नीचे बर्फ जमी हुई मिली है। मगर तभी हुएंग पाता है कि कुछ तो हलचल हो रही है। जब तक वो कुछ समझ पाता, तब तक चांद के सरफेस से मीटर आकर टकराने लगते हैं, और बेस के कहने पर हुएंग वहाँ से रोवर में बैठकर भागने लगता है। मगर कई सारे मीटोराइट से बचने के बाद भी वो एक मीटर की चपेट में आ जाता है, जिससे उसका रोवर एक क्रेटर में जाकर फंस जाता है। जबकि वहाँ बेस पर किम ने हुएंग के रोवर के लिए एक नया कोड बना लिया होता है, जिससे वो बची हुई एनर्जी से हुएंग को अर्थ तक वापस ला सकते हैं।
वही क्रेटर में फंसा हुआ होयांग अपने ड्रोन को बुलाता है, जिसकी मदद से वो क्रेटर से बाहर निकल पाता है। मगर उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, क्योंकि इस समय वो मीटोराइट शावर के बीचों बीच फंसा हुआ था। अब आप सोचिए कि ये कितनी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। एक तो पृथ्वी से इतना दूर, दूसरा उस पर मीटियोर शावर भी हो रही है। खैर, हम कहानी की तरफ वापस आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुयांग कैसे भी करके अपने लैंडर पर पहुँच जाता है और उसको लॉन्च करके अपनी शिप की तरफ निकल जाता है। कुछ देर में वो शिप के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो सक्सेसफुली लैंडर को शिप से जोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि वो शिप में जा पाता, उसके शिप से एक मीटोराइट आकर टकरा जाता है, जिससे शिप डैमेज होकर मून के ऑर्बिट में घूमने लगती है, जहाँ किम उसको गाइड करके बताता है कि अब उसको मैन्युअली ही लैंडर को शिप से अलग करना होगा। लेकिन शिप कुछ ज्यादा ही तेजी से मून की ऑर्बिट में घूम रहा होता है। वहीं इसी बीच अमोनिया गैस के लीक होने से होयांग शिप के अंदर बेहोश हो जाता है। अब ये अनकंट्रोल्ड शिप और लैंडर दोनों जाकर मून की सरफेस पर क्रैश हो जाते हैं। इधर ये सब देखकर बेस पर मायूसी छा जाती है और सबको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी बेस पर सभी लोग 4 घंटे तक वेट करते हैं, पर किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन सिग्नल ना आने पर वो लोग हताश होकर होयांग को ऑफिशियली मरा हुआ घोषित कर देते हैं। ये खबर देख सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। इकलौता बचा हुआ एस्ट्रोनॉट भी अब मारा गया। किम भी होयांग के बारे में सुनकर काफी दुखी था। लेकिन तभी उसके पास नासा का एक मैसेज आता है, जिसमें कि नासा को होयांग का एक मैसेज आया हुआ था मदद के लिए, जो कि शायद होयांग अपने बेस स्टेशन पर भेजने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि अब किम के पास उस मैसेज की फ्रीक्वेंसी भी थी। वो अब घर से ही होयांग से कॉन्टेक्ट करने लगता है, जिसमे होयांग बताता है कि वो सेफ्टी सिस्टम की वजह से क्रैश से बच गया, मगर अब उसके लैंडर में ऑक्सीजन और पावर दोनों ही बहुत कम बचे हैं। वहीं मीटोराइट शावर भी अभी काफी तेजी से हो रहा होता है। अब किम उसे अपने लैंडर में ही रहने को कहता है, जब तक वो उसको वहां से निकालने की कोशिश करेगा। किम जल्दी से बेस पर आ जाता है, मगर उसी समय नासा की एक एम्प्लॉई होयांग का हेल्प वाला मैसेज लीक कर देती है, ताकि लोग नासा पर मदद के लिए प्रेशर डाल सके। और होता भी ऐसा ही है, जहां दुनिया भर के लोग नासा को हेल्प करने के लिए कहते हैं। लेकिन नासा के ऑफिशियल्स मून पर मैसेज लीक करने के लिए गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किम को होयांग के मैसेज के बारे में बताया था, मगर अब वो उसे कुछ भी कहते इससे पहले व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट का कॉल आ जाता है। वही कोरियन एजेंसीज ने भी लैंडर से कम्युनिकेशन कर लिया था, लेकिन साइंस मिनिस्टर अभी भी बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनमें से किसी के पास भी होयांग को वहां से निकालने का आइडिया नहीं था। और अब अगर होयांग मारा जाता है तो शायद जनता भी उनको कभी माफ नहीं करेगी। तभी पता चलता है कि लोगों के प्रेशर के कारण व्हाइट हाउस ने होयांग की मदद के लिए कन्फर्मेशन दे दी है, और ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अब यहाँ से मून अमेरिका के लूनर स्टेशन और कोरिया की स्पेस एजेंसी के बीच कांटेक्ट करवा देती है, जिससे कि वो दोनों मिलकर होयांग का रेस्क्यू मिशन प्लान करने लगते हैं। लेकिन गुस्साए हायर ऑफिशियल्स मून को नासा से फायर कर देते हैं, क्योंकि उसी ने होयांग की खबर बाहर लीक की थी। मगर वो बाहर कोई हंगामा नहीं चाहते थे, इसलिए मून का नासा में आखिरी मिशन होता है। अब यहाँ अमेरिकन शिप मून की ऑर्बिट में आ चुका था, जहाँ से उनको होयांग का लैंडर डॉक करना था। होयांग डैमेज हो चुके लैंडर को लॉन्च करने की कोशिश करता है, मगर अब मैलफंक्शनिंग के चलते वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ किम जल्दी से होयांग को लॉन्च रोकने के लिए कहता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि होयांग का लैंडर चांद की सरफेस से टकराकर फिर से एक गहरे क्रेटर में जा गिरा था, जहाँ उसका डॉकिंग पोर्ट भी टूट चुका था। वहीं नासा का स्पेसशिप भी अब ज्यादा समय तक मून के ऑर्बिट में नहीं रह सकता था, सो मून को ना चाहते हुए भी रेस्क्यू मिशन को टालना पड़ता है। यहाँ पर किम होयांग को संभालने की कोशिश करते हैं, मगर होयांग अब तक पूरी तरह हार मान चुका था, जहाँ वो सबके सामने कन्फेस करता है कि उसके पिता को मून मिशन पर जाने से पहले ही पता चल चुका था कि स्पेसशिप के एक इंजन में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन इन सबको इग्नोर कर वो मिशन के लिए चले गए और अपनी जान गवा दी। अब यहाँ पर कुछ सीरीज ऑफ कन्फेशन चलता है, जहाँ किम होयांग को बताता है कि उसको अभी भी पूरी बात का पता नहीं है। मिशन से एक रात पहले होयांग के पिता किम के पास आते हैं, सिर्फ ये कहने के लिए कि इंजन ठीक होने तक उन्हें ये मिशन पोस्टपोन कर देना चाहिए। मगर चूंकि किम उस मिशन पर काफी सालों से काम कर रहा था, उसे उस वक्त ये लग रहा था कि उस गड़बड़ी से कोई दिक्कत नहीं होगी, और किम ने उस मिशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया, क्योंकि वो सालों से इंतजार कर करके थक चुका था। ये कहकर किम होयांग से माफी मांगता है, क्योंकि अगर उस दिन वो उसके पिता की बात मान लेता तो शायद वो मिशन फेल ना होता।
और ना ही कोई मारा जाता। होयांग भी उसको माफ कर देता है। वो कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो हार नहीं मानेगा। मून भी सारी बातें सुनती है और किम को कॉल करके एक प्लान के बारे में बताती है। अब मून वैसे भी नासा से सस्पेंड होने वाली थी, इसीलिए वो मना करने के बावजूद कंट्रोल रूम में जाकर नासा के एस्ट्रोनॉट से अपील करती है कि पृथ्वी की सीमा के पार जाकर वो किसी एक देश के नहीं रहते, इसलिए उन्हें होयांग की मदद करनी चाहिए। वहीं किम और बाकी के साइंटिस्ट एक बार फिर से होयांग के लैंडर को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मून के ब्राइटर साइड पर जा सके और नासा उसको रेस्क्यू कर सके। होयांग अपनी पूरी हिम्मत के साथ एक बार और कोशिश करता है और तभी एक मिरेकल होता है और लैंडर लॉन्च हो जाता है, जिससे होयांग मून की ब्राइटर साइड पर आ जाता है। लेकिन अभी भी मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अब यहाँ उसको लैंड करना होगा, लेकिन क्रैश की वजह से उसके लैंडिंग गियर्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते हैं। अब यहाँ होयांग एक और प्लान बनाता है। वो लैंडर से सारे सैंपल्स और भी जरूरत की चीजें लेकर ड्रोन के साथ बंद कर लैंडर से बाहर कूद जाता है। कुछ देर नीचे गिरने के बाद जब वो सरफेस के नजदीक पहुंचता है तब वो ड्रोन्स को एक्टिवेट करता है और मून पर टकराते हुए गिरता है, जिससे कि बेस से उसका कम्युनिकेशन फिर से टूट जाता है। बेस पर सब लोग डर जाते हैं। वहीं नासा का स्पेसशिप भी उसको लेने आ चुका था, लेकिन अभी तक भी उन्हें होयांग के एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। मगर अभी भी होयांग होश में था और वो किसी तरह से हिम्मत करके अपनी लोकेशन भेज देता है। ये जानकर सभी लोग खुश होते हैं कि होयांग बच चुका है और यहाँ से फाइनली नासा द्वारा सेफली होयांग को रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं होयांग उनके सैंपल्स दुनिया भर के सभी स्पेस एजेंसीज के साथ शेयर करेगा, जहाँ दुनिया भर के सभी लोग होयांग के बचने की खबर से काफी खुश थे। अब कुछ दिनों बाद होयांग अपने देश पहुंचता है। यहाँ पर अब वो एक नेशनल हीरो बन चुका है, जहाँ वो सभी को बताता है कि वो अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स जो कि इस मिशन पर मारे गए उनकी निशानियाँ उनके परिवार के लिए वापस लाया है। साथ ही जो खोज उसने मून पर करी थी वो सारी जानकारियाँ वर्ल्ड की सभी एजेंसीज के साथ शेयर करेगा। वो वर्ल्ड की सभी स्पेस एजेंसीज को साथ में मिलकर काम करने को कहता है, जबकि उधर मून को नासा का हेड बना दिया गया है, जिससे कि वो नासा की पहली फीमेल हेड बन चुकी है। यहाँ लास्ट में होयांग किम से मिलता है, जहाँ दोनों ये जानकर खुश होते हैं कि अब हर बच्चे में स्पेस को एक्सप्लोर करने की उमंग जाग चुकी है। जिस हैप्पी और डेंजरस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। धरती पर बैठे बैठे ही ये मूवी हमें चांद तक घुमा लाती है। लेकिन एक खास बात जो यहाँ सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर आप मन में ठान ले तो आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे सामने मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इसीलिए जस्ट कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाकी आज के वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।